एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको यहाँ पे गौशाला ले जाने वाली हूँ और इसको हम हिमाचल में ओबरा कहते हैं। कम जाने से पहले मैंने ये सोचा कि गाय के लिए कुछ तो लेके जाऊँ, तो फिर मैंने बिमलांटी से पूछा कि गाय को कौन सी वाली घास सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दो तीन वैरायटी थी जो यहाँ खेत में है, तो जो गाय की फेवरेट है मैं वो वाली काटने वाली हूँ, फिर गाय को खिलाऊंगी वहाँ जाके। और वैसे भी हमारी दो गाय प्रेग्नेंट है तो उनको अच्छा अच्छा खिलाना तो बनता है। हमारी गाय के लिए ब्रेकफास्ट रेडी है, सो लेट्स गो। कम मेरे पहुंचती गाय इतनी एक्साइटेड हो चुकी है। ओके वेट नाउ, ये है नंबर वन गाय जिसका नाम है गंगा। लो गंगा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। रुक जा यमुना, यमुना थोड़ी हाइपर एक्टिव है, ले ये भी प्रेग्नेंट है। और ये जो बच्चू है ना, ये शायद हाँ गंगा का बेटा है, अभी पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा। प्लीज तू भी खा ले। और अब बारी आई मोटे की। क्या कर रही है? उसने चीज से चाट लिया। तो चाटेगी। मैंने मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के जो गिरे हुए सेब थे वो इकट्ठे करे ताकि गाय को खिलाऊंगा। गाय को सेब बहुत पसंद है ना, बट अभी क्या है ना, सीजन आने वाला है एप्पल सीजन, तो वी आर नॉट अलाउड टू प्लक एप्पल्स फ्रॉम द ट्री राइट नाउ, क्योंकि अभी वो भी ग्रो कर रहे हैं प्रॉपरली, राइट नहीं हुए। सो इतना भी मैं कह देती हूँ, मैं जाऊँगी ना वो जो बीच वाली गाय है यमुना ना, वो ओवर एक्साइटेड हो जाएगी और पहले ही चाहेगी कि मैं उसको खिला दूँ। oh, shit! गाय की जीभ में ना छोटे छोटे कांटे होते हैं।
वॉचिंग माई व्लॉग, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूँ आप लोगों को ये सब दिखाने के लिए. और देखिए मेरे व्यूअर्स कितने ध्यान से सुन रहे हैं यहाँ मेरी बातें.